आप सो गए यहाँ आके, मुझे लग रहा है उठिए जागिए, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, हो गया सब कवर एंड हो गया हाँ, तो वेलकम, ये है हमारा ऑफिशियल हे ब्रो का ट्रेलर लॉन्च। एंड यहाँ पे देखो, बिफोर इतने सारे यहाँ पे स्टार आए और यू नो बहुत सारे मतलब एक्साइटिंग लोग आए, मैं बस ये यू नो ये अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि यहाँ पे कैमरे है और मेरी फोटोग्राफ अगर आप पहले ले लें जब स्टार आएंगे तो मेरे लेंगे ना। अच्छा अच्छा चलो देख ले लो, मैं पोज करता हूँ, कौन सा पोज बेस्ट है नहीं एनीवे चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर ऐसे करते हैं कि सबसे पहले यू नो पर्दे के सामने हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि फिल्म है उसके अंदर जो अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो जो हमारे गॉर्जियस ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हैं, सब तो गॉर्जियस नहीं है, कभी कभी आई मीन इतने भी अच्छे लुकिंग नहीं होते, बट होते हैं एक्टर्स। पर ये क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या आप इतनी अच्छी लुकिंग नहीं है इसलिए, सॉरी मैं पता नहीं क्या, मैं ही नहीं, मैं नहीं हूं। अच्छा एनीवे सो आई वांट टू वेलकम फर्स्ट जो हमारे हीरो हीरोइन, वाओ कौन है, मनिंदर आइए आइए आइए, हाथों से पैरों से वेलकम कीजिए हमारे मनिंदर के, हीरो जी हेलो कैसे हो, एक सेकंड ना, ये जो माइक है ना मेरे पास एक है, मैं बहुत वो फंसी हूँ, ये मेरा ही है। अच्छा आप ये वाला ले लो, हाँ तो मनिंदर Yes. आपकी ये दूसरी फिल्म है ना, जी हाँ, तो आपकी मतलब ये ब्रेक आपको मिला फिर उसके बाद फिर से आपको बुला लिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि काम इतना अच्छा किया था पहली वाली में किया था। अच्छा आप बताइए क्या इनकी पहली फिल्म में काम अच्छा किया था, कितने पैसे दिए इनको, वो आपको देंगे आफ्टर द शो वंस यू आर डन विद योर जॉब, ठीक है दे देना, ठीक है डोंट माइंड। अच्छा तो आपकी हीरोइन को भी बुला लेते हैं, पर पहली बार ये सबसे इनकी इंट्रोडक्शन है फिल्मों में, आई थिंक नुपुर कम ऑन कम अप हियर, ये दिस इज नुपुर द हीरोइन ऑफ द फिल्म एंड इजंट शी गॉर्जियस, नुपुर शर्मा हेलो हेलो हेलो, आ जाइए मेरे पास आ जाओ, ठीक है हे ब्रो, हाँ पहले ये प्रॉब्लम है इनका, ये सबको बोलेंगे हे ब्रो, यू नो फिर फिल्म और नहीं मिलेगी, ब्रो ब्रो मत कर किसी के साथ, एनीवे हाँ हे ब्रो, अच्छा फिल्म का नाम, एनीवे सो आप बताइए कि आपकी ये पहली फिल्म है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मेरी पहली फिल्म है ये, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जब मैं ऑडिशन पे आई थी तो मुझे पता नहीं था कि ये फिल्म मुझे मिलने वाली है, और जब गणेश जी ने मुझे खुद फ़ोन किया शाम को कि नुपुर आप शॉर्टलिस्टेड हो, आपके साथ मूवी करना चाहेंगे हम, तो मैं बहुत खुश थी, और पूरी जर्नी मेरी मूवी में बहुत, देखो नुपुर आपने बोला कि खुश थी मूवी करके खुश नहीं रही, ऐसा क्यों है, मूवी करके और खुश हो गई मैं, अच्छा थैंक गॉड, तो एक्चुअली तो आप बताइए कि इनके साथ जो रोमांटिक सीन्स आपको करनी पड़ी है, मतलब वो कहां से वो फीलिंग आई, कैसे आई इन, एक्चुअली एंडी रोमांस बहुत ज्यादा नहीं है, आपका कुछ सामान गिर गया, ये मेरा सामान एक सेकंड मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको फिर बाद में देख लेंगे, तो बताइए या मूड में लग रहे थोड़े, आप नीचे क्यों देख ये लो, आप नीचे मत देखो, आंखों में आंखें डाल के रोमांस की बातें होनी थी, रोमांस की मैं मुझे ये बताओ कि देखो जब आप इनकी शक्ल में शक्ल को देखते हो तो आप रोमांटिक फीलिंग्स कैसे लेके आते हो, बड़ी अच्छी एक्टर है ये है ना, नहीं ऐसा मैं सिर्फ बोल रहा हूँ सॉरी, हाँ तो कैसे लेके आई वो फीलिंग्स, मैं सिर्फ इनकी आंखों में देख रही थी, अच्छा इनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, ओह एक्सप्रेशंस आंखों में, कहीं और से इन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे जब वो यू नो जी वो अलाउड नहीं था हमारी मूवी, वो फैमिली मूवी, कहां से और से कहां से, एक सेकंड सो होते हैं बहुत सारे एक्सप्रेशंस प्यार में, मैं यहां पे आपको सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको पूछने आया हूं कि कहां से आते हैं एक्सप्रेशंस, बताइए आंखों से ही दिए आंखों से, ठीक है ठीक है, तो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर हीरोइन हीरोइन, एंड नाउ नेक्स्ट आईड लाइक टू कॉल अप द विलियन, कहां है मेरा विलियन, ए विलन अरे ए ए आजा हनीफ आजा, ओ सो ये है हमारा विलियन, विलियन हे ब्रो व्हाट्स अप, हे ब्रो सबका ब्रो बन गया, डैम
एनीवे तो विलन आपने बहुत अच्छा काम किया है, हर्ड सही सुना है, क्या ये रूमर है या फिर सही है? नहीं सही है, और ऑडियंसेस भी देखेंगे जब पिक्चर आएगी, जब पिक्चर आएगी तो आपने मतलब क्या स्पेशल आप ये इविल यू नो तरीके कहाँ से लेके आते हैं? जब कोई विलन बनता है तो मतलब वो ना जो बिल्कुल कमीनापन है वो कहाँ से आता है? आप तो शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगते. तो अच्छी बात है ना, that actually proves that I'm a good actor, right? ओह देखो अपनी खुद की चढ़ाते जाओ खुद को. Anyway, no, I think you've done a really good job. I saw some scenes and I promise you कि ये जो evil इन्होंने दिखाई है, ये सच में evil इतने होंगे इसलिए ये सब निकल के आया है, मुझे पता चल गया. Don't worry. बहुत बहुत मारपीट हुई है और बहुत मारा है और बहुत पिटाई भी हुई है. सच में? जी जी. असलियत में या फिर फिल्म में? नहीं, हम पहले से ही दोस्त हैं तो असलियत में तो नहीं मारेंगे. Buddies, we know each other for years, so it's been a pleasure. तो एक बन गया हीरो, एक बन खलनायक. फिल्म याद है ना आपको? तो ये हुई हमारी माधुरी, ये हुआ. I know, don't worry about it. But yeah, actually, I have to say, you're just as beautiful as Madhuri. And Madhuri ji, agar aap dekh rahi hain ki, she's very beautiful. Thank But I want to say that the next person who is very well known for being an amazing villain in his time, and I'm a great big fan. Yes, it is Prem. Prem. Ek second, aapka naam Mikka hai. Confuse mat karo, yaar. Prem Chopra, please put your hands together for Prem Chopra ji. Hello sir, how are you? You did a good job, sir. Thank you so much. तो सर आपकी मतलब आपके इंट्रोडक्शन भी आपके लिए हम क्या कहें, अगर आप इस फिल्म को रोशन कर रहे हो तो इसका मतलब इट्स गोना बी एन ऑसम फिल्म, क्योंकि जिस तरीके से आपने इतने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं शायद हम सब आपको ही देख के सीख सकते हैं कुछ. सो आप कुछ बताना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में, हे ब्रो के बारे में? आनी, तुमने ऑलरेडी बता दिया कि मैं कितना शरीफ आदमी. मैंने गवाना नहीं चाहती थी तो मुझे था कि मैं गाना जरूर करूं, और बहुत ही कमाल का गाना है वो. तो मैंने भी देखा है और मैं लाल लाल हो गया था देख के. बुलबुल से काफी रंग है बुलबुल के, ये तो सिर्फ एक पेन के ही आज पर फिल्म में आप हजारों रंग के आयरन के नखरेदार को मतलब किसी को भी घायल कर दें. बॉयज एम आई राइट? एब्सोल्युटली, मेरा गाना उनके साथ है, सो आई एग्री. देखा मेरा गाना तो इनका ही होगा ना? नहीं मतलब चलो चक देते हैं मिक्का जी, हलेना चक्की पर थोड़ी सबर कर. थैंक यू वेरी मच, दिस इज द कास्ट ऑफ हे ब्रो. देखो पर्दे के सामने तो हम बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं जो ऑब्वियसली खूबसूरती से अपना रोल निभाते हैं, हमारे दिलों को मतलब मस्त कर देते हैं अपनी एक्टिंग से, अपनी स्टारडम से. पर
ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मतलब पर्दे के पीछे अपना जादू दिखाते हैं। हेलो तो अजय जी, आपने ये फिल्म डायरेक्ट की, क्या इसमें हम क्या अलग देखेंगे? नरेश कचहरा एक्टिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, एक्शन कर रहा है, इससे और क्या चाहिए? यस, आई थिंक ये एक मेन पॉइंट है, हम हमेशा उनको देखते हैं डांस करते हुए या फिर डांस कराते हुए, और आज ये मतलब हम देखते हैं इनको एक्ट करते हुए, एंड इन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दी है आप बताइए। आप क्रिटिकल देखेंगे उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए, टाइम तो जब करना तो मैंने कर लिया। चलो अभी हम किसी एक स्पेशल लेडी को बुलाते हैं, आई थिंक प्रोड्यूसर जी, क्या यहाँ पे विधि आर्य है? सच में गणेश जी बहुत लकी हैं। हेलो विधि जी, आपने ये फिल्म प्रोड्यूस किया आपने? हाँ हाँ, आप भी बोल सकती हैं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग। ये भी तो हमारी ब्यूटीफुल बुलबुल है, एक नहीं है, दो दो हैं, और वो बिल्कुल कैद नहीं है क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर है फिल्म की, तो ये सबको कैद करवाती हैं। आप हाँ वो तो पता चल गया, तो इससे मैंने सुना कि आप बिग बॉस बहुत देखती थी। विधि चढ़ी।